नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम आपको विटामिन ई के साथ ब्लीच करने का ऐसा शानदार तरीका बताएंगे कि आप चौंक जाएंगे। उसके लिए दो ही चीजें चाहिए, दूध, मैदा और विटामिन ई के कैप्सूल्स। इवियन के नाम से आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बासानी मिल जाएगा। 600 mg का लेना है आपने और आपको चाहिए कोई सी भी ब्लीच जो कि आप इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट, बस आपको इतनी ही चीजें चाहिए और इसका ऐसा शानदार आपको रिजल्ट दिखाएंगे कि आप चौंक जाएंगे। ब्लीच का आज तक आपने ऐसा तरीका कभी नहीं देखा। ठीक हो गया जी। सबसे पहले जो भी आप ब्लीच क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर का पाउडर यानी वेलपेट जो है वो निकाल लीजिए। अब यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली है कि अगर आप इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिर्फ आधा टीस्पून पाउडर लेंगी, यानी कि इतना सा। और अगर आप अपने हाथ पांव पर अप्लाई करने जा रही हैं तो आप पूरा पैकेट इसमें शामिल कर सकती हैं। डरने की बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ आपको हाथ पे करके दिखाने वाली हूँ, तो मैं पूरा पैकेट इसमें शामिल करूंगी। अब एक पैकेट ब्लीच में हम शामिल करेंगे 1.5 चम्मच कच्चा दूध। इनकेस आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप बॉइल किया हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहां हम दोनों चीजों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि यकजा हो जाए। यकजा कर देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उसमें हम इसमें मिलाएंगे विटामिन ई का कैप्सूल। यहां चूंकि हमारा इस ब्लीच में ये मेन इंग्रेडिएंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, इसलिए ये आपको लाजमी इस्तेमाल करना है। बहुत आसानी से ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। एक कैप्सूल विटामिन ई का इसमें हम शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब तक मैं मिक्स करूंगी आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसा ना हो कि वीडियो अपलोड हो चुकी हो और अब तक मैसेज नहीं पहुंचे। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें फाइनली मिलाएंगे ब्लीच क्रीम। इस मिक्सचर के अंदर आप पूरा पैकेट ही ब्लीच क्रीम का शामिल कर दीजिए। पहले हमने जो ब्लीच की जितनी भी आप लोगों को टिप्स बताई हैं, ट्रिक्स बताई हैं, उसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया है, शेयर किया है अपने दोस्तों के साथ और उन्होंने अपने रिजल्ट हमारे साथ फीडबैक में शेयर किए हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। और यहाँ आप देखेंगे कि जब हमने लास्ट ब्लीच के अंदर दूध मिलाया था तो वो फॉर्म की शक्ल में नहीं आई थी, यहाँ भी ये फॉर्म की शक्ल में नहीं आई। तो अब हम इसमें मिलाएंगे मैदा। अगर आप मैदा नहीं मिलाना चाहते तो आप गंदम का आटा मिला लीजिए, व्हीट फ्लोर। ठीक हो गया जी। अब जब मैं इसको मिक्स करूंगी और फिर हम इसको एक सेकंड के लिए छोड़ेंगे तो ये फॉर्म की शक्ल में आएगी, लेकिन इसमें हमें वो फॉर्म की शक्ल में ही चाहिए ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स यकजा हो जाए। मैं इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकती हूँ लेकिन नहीं, मैं इसको एक मिनट के लिए छोड़ूंगी। अब आप इसको जितना भी मिक्स करते जाएंगे ये फॉर्म की शक्ल में ही रहेगी, लेकिन ये फॉर्म इस तरह का नहीं है कि इसको अप्लाई करना मुश्किल हो। ये बहुत गाढ़ी और प्यारी सी क्रीम बन गई है। इसको अप्लाई करते ही आप देखिएगा कि ये बिल्कुल झाग की तरह नहीं है, बहुत प्यारी सी क्रीम बन गई है जिसको अप्लाई करते ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ हमारा मकसद इसको फॉर्म की शक्ल में लाना नहीं है, जबकि हमारा मकसद था कि तमाम इंग्रेडिएंट अच्छी तरह से यकजा हो जाए। ठीक हो गया। अब मैं इसे अपने हाथ पर अप्लाई करने जा रही हूँ। आपने अगर चेहरे पर अप्लाई करना है तो सेम मेथड के साथ आप ब्लीच का पाउडर इन्वेल्पर जो है वो लेंगे सिर्फ आधा टीस्पून। यहाँ मैंने पूरा पैकेट शामिल किया, आप इसे चेहरे पर अप्लाई नहीं कर सकते। ये हर तरह की स्किन को सूट करेगा क्योंकि इसमें विटामिन ई हमने शामिल किया है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये ब्लीच क्रीम मेरे हाथ के ऊपर अप्लाई हो रही है। इससे आपकी स्किन ड्राई है उसको भी सूट करेगा। इसमें मिल्क है, अगर आपकी स्किन ऑयली है, सॉरी मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करूंगी, मेरे यहाँ पे कट है, तो आपको भी इस चीज का ख्याल रखना है।
अच्छा जी, आपकी जिस टाइप की भी स्किन है आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है, वो इसमें मिल्क शामिल नहीं करें, वो उसकी जगह पे रोज वाटर ऐड कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी इस तरीके से, इसको आपने अप्लाई कर लेना है पूरे अपने फेस के ऊपर या हैंड के ऊपर, जहां भी आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद आपने इसको 25 मिनट छोड़ देना है। अगर आपने चेहरे पर अप्लाई किया देन आप सिर्फ 20 मिनट्स देंगे इसको, और अगर आप अपने हाथ पांव पर या गर्दन पर करिए तो आप इसको 25 आसानी से दे सकते हैं टाइम, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच